हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। साहब, सब लोग कैसे हो? तो आज सुबह सुबह वेदर बहुत अच्छा है, क्योंकि कल रात को भी बारिश हुआ था। तो वो यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया था, तो मेरा पराठा थोड़ा सा जल गया है। मैंने आज पनीर का पराठा बनाया थे, साथ में रायता और अचार। तो क्योंकि आज हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा बाहर जाना है, कुछ काम है गायरा के लिए, थोड़ा शॉपिंग करना है। समर सीज़न का उसका कपड़ा सब छोटे हो गए हैं, पिछले साल के जितने भी कपड़ा है सब छोटे हो गए, इसलिए इसके लिए भी कुछ सामान लेनी है। और हमारा घर का राशन का थोड़ा ग्रोसरी का सामान लेना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चावल वगैरह लेना है। तो इसी वजह से हम जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं आज। तो यहाँ पे मैं जूस पी रही थी, तो मेरा जूस देख के कायरा भी रो रही थी जूस पीने के लिए, कि उसका जूस बहुत पसंद है उसको, पूरा दिन ये जूस और पानी पीती रहती है और कुछ खाती नहीं है इतना। सो यहाँ पे हम निकल गए थे, तो फर्स्ट हम जाएंगे विशाल पे। तो मैं यहाँ के विशाल पे कभी नहीं आई थी, तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं यहाँ पे, देखते कुछ अच्छा लगेगा तो लेंगे, क्योंकि बच्चों को डेली वर्क के लिए विशाल से ठीक है। तो यहाँ पे हम विशाल पे एंट्री कर लिए हैं हमने। तो ये मेन सेशन में हम आ गए थे, तो किड्स वाला शायद ऊपर है, तो हम ऊपर जा रहे हैं अभी, देखते अच्छा मिलेगा तो लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेरे हस्बैंड कायरा के लिए कपड़े, बट इतना खास अच्छा नहीं लगा था। ज़्यादा बॉय के लिए अच्छे अच्छे कपड़े थे, और थोड़ा सा बड़े बच्चे के लिए कुछ ज़्यादा अच्छे थे। कायरा की साइज़ का इतना अच्छा नहीं मिला था, तो हमने इतना कुछ दो ही ड्रेस लिया था, एक टी शर्ट और पैंट लिया था, एक फ्रॉक लिए थे कॉटन का। तो यहाँ से हम निकल गए, तो कायरा मान नहीं रही थी, क्योंकि मैं पीछे एक कोक पी रही थी, उसको पीना है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा गर्मी है, तो इसलिए मैंने विशाल से ये कोक लिया था, बट इतना अच्छा नहीं था कोक। तो यहाँ पे हम डी मार्ट पर आ गए थे, तो रशेज भी ज़्यादा है डी मार्ट पर, तो इसलिए हम वीडियो बना नहीं पाए थे, क्योंकि राशन भी लेना है और वीडियो पकड़ना ही नहीं होता है दोनों ही साथ। यहाँ पे इतनी गर्मी है, मत पूछो कितनी, बहुत गर्मी है, और रशेज भी बहुत ज़्यादा है, तो हमने जल्दी जल्दी जितना जरूरी था वो ले लिया था। पापा का पापा आएंगे तो हम जाएंगे घर पे। हाँ, ये गए है गाड़ी लेने के लिए पार्किंग से, तो हम यहाँ पे वेट करें। हाँ, आ गए हैं ये, क्योंकि सामान गाड़ी पे डालेंगे, उसके बाद देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। तो मैं इसको बोल रही, इनको बोल रही थी साइड पे गाड़ी लगाने के लिए, क्योंकि पीछे और भी गाड़ी थे, तो थोड़ा सा ही साइड किए थे। और डी मार्ट पर जैसे कि आप एक सब सामान वगैरह हम लेते हैं, राशन वगैरह, तो बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है। जो चावल हम मार्केट से 50 में लेके आते हैं, वो डी मार्ट में 42 या 40 ऐसे मिल जाते हैं हमें, इसलिए हम डी मार्ट से राशन वगैरह, चावल वगैरह ये डी मार्ट से ही लेते हैं। तो फाइनली हमारा शॉपिंग डन, तो इतना रशिश था और गर्मी भी बहुत ज्यादा था, और जितना ज्यादा जरूरी क्या सामान था वो हमने ले लिया। तो अभी चलते हैं कहाँ पे, देखते हैं कहाँ जाते हैं। अभी और थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह खत्म नहीं हुआ, घर का राशन का कंप्लीट हो गया, अभी देखना है कहाँ कहाँ जाते हैं। आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए। सो
तो ये इनोरबिट जाने वाले मॉल की साइट में ही पड़ता है आइका, या फिर होम फर्निशिंग का सामान जैसे कि क्या नहीं है, सब कुछ है यहाँ पे। तो मुझे भी यहाँ पे आना है और एक दिन मैं वीडियो बनाऊँगी इसका भी, कुछ सामान भी लेना है। तो अभी हम जा रहे हैं इनोरबिट वाले रोड पे। मैं कभी नहीं गई थी, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ आज इनोरबिट मॉल पे। मेरे हस्बैंड तो 2-3 बार गए हैं। तो ये इनोरबिट मॉल का एंट्रेंस है और बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो यहाँ पे पार्किंग के लिए गाड़ी खड़े हुए है। यहाँ पे इन लोग को 50 रुपया देते हैं तो इन लोग पार्किंग पे लगा देते हैं। बट मैंने इनको बोला था, मना किए थे, चलो हम वीडियो भी बना लेंगे पार्किंग की, कहाँ पार्क करते हैं। तो इसीलिए मैंने इनको बोला छोड़ो, हम खुद ही पार्किंग करते हैं। तो हमने गाड़ी पार्क कर दिया, यहाँ पे हम आ गए थे, लिफ्ट के लिए वेट कर रहे थे यहाँ पे। और कायरा भी सो गई थी, और ये बाहर निकलती है ना तो सो जाती है। मैक्स पे, तो मैक्स के एंट्रेंस पे मुझे ये टी शर्ट सबसे पहले दिखाई दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ये ले लिया था। और कायरा के लिए भी मैक्स से कुछ शॉपिंग किए थे, उसका वीडियो हम बना नहीं पाए क्योंकि कायरा को ट्राई करा के मैंने लिए थे। तो शॉपिंग करने के बाद बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो हम कुछ खाने के लिए आए थे यहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड पूछ रहा था कि मुझे क्या खाना है, तो मैंने बोला आप कुछ भी ऑर्डर करके ले आओ, बस भूख लगी है। और यहाँ पे हम देख रहे थे सब टेबल बुक है, एक भी टेबल खाली नहीं है। जो हमारे सामने जो जा रहे कपल उन लोग भी ढूंढ रहे हैं, तो फाइनली एक टेबल मिल गया है हमें खाली। कायरा और कायरा के पापा कुछ लेके आए हैं, देखते हैं क्या लेके आए हैं। शायद ये बर्गर और ये चीज़ रोल है, बहुत टेस्टी है। एग्जैक्टली मुझे तो पता नहीं, बट उसके अंदर चीज़ ज़्यादा था और सोया चॉप था, तो टेस्टी था। तो कायरा को भी पसंद है, कायरा भी खा रही थी। तो शाम जैसे कि 4:30 बजे थे, हम 9 बजे से घर से निकले थे, 4 बज गए थे। तभी खाना खाने के बाद घर के लिए भी हमें रवाना देना है। सो प्लीज़ गाइस, हमारे वीडियो को अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को एक लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। सो थैंक यू।